नमस्कार, हमारा नाम रिव्यू कुमार है, हम आपको फिल्मों का रिव्यू देंगे, आप लें या ना लें हमको नहीं पता, पर हम आपको देंगे, ये लीजिए। तो इस बार दोस्तों हम ब्रह्मास अपने एडिटर के साथ देखने चले गए थे। वो हमसे बोला, भैया ये लाल पीली लाइटिया तो हम आपसे भी मरवा सकते हैं। तो हम कहें मरवाओ, ये देखिए है ना पूरा ब्रह्मास वाला, एक ही दिन में कर दिया। बम्बई भेज दें क्या इसको? कहा रे जाबे नहीं। खैर दोस्तों, देखने तो हम ब्रह्मास गए थे, लेकिन देख के आए नागिन सीरियल का सीजन 9। फर्क बस इतना है कि उसकी निर्माता जो है एकता कपूर थी, इसके निर्माता करण जौहर हैं, इसलिए बजटवा थोड़ा बढ़ गया है। हमको एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि इस फिल्म में ऐसा क्या था जिसको बनाने में 10 साल लग गया। इतने में आदमी 2 पुराण पढ़ के 3 पुराण लिख दे मालिक। और डायरेक्टर साहब जो हैं वो कह रहे थे कि फिल्म जो है हमारे पौराणिक कथाओं से इंस्पायर है। अच्छा भाई साहब, तुम लोग एक शब्द जान गए हो, अस्त्र। वही हर चीज पीछे लगा के पूरा बना दिया अस्त्रावर्ष। पानी दिख रहा है तो जला अस्त्र, बानर दिख रहा है तो बानर अस्त्र, नंदी अस्त्र, नगीना अस्त्र, हे अस्त्र, हाऊ अस्त्र, निपुरवा अस्त्र, चरखा अस्त्र, समझिम नहीं आया ये अस्त्र कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसे काम करते हैं, हमारे पल्ले नहीं पड़ा भाई। माइक माच खा रहे हैं हम कब से, यही सोच रहे हैं साला डायरेक्टर और राइटर कहाँ से पढ़ लिख के कुल कहानी लिखे, कुछ समझी में नहीं आया हमको। कुछ खतरनाक सोच रहे हैं क्या सर? अरे कुछ बहुत खतरनाक सा सोच रहा हूँ भाई, कुछ खतरनाक सा। इसमें ड्रैगन बॉल जी के सारे सीजन डाल दिए मैंने, सब देख डाल, चार्ट देख, 10 साल तक देख इसको आराम से बैठ के, है ना, चार्ट लेंगे सर। कुछ अस्त्र वस्त्र सा दिखाएं, कुछ खतरनाक सा करने वाले अपन लोग हैं, बहुत खतरनाक सा। क्या दिखाएंगे सर? अरे अग्नि अस्त्र दिखाऊंगा, पता है ऐसे करके ऐसे चलेगा वो। और कौन सा? एक दिखाऊंगा वानर अस्त्र, वो ऐसे करके ऐसे चलेगा। और कौन सा? नंदी अस्त्र दिखाऊंगा, नंदी अस्त्र अलग तरीके से चलेगा, वो ऐसे करके ऐसे चलेगा। सर ये सेम सेम सा थोड़ा नहीं लग रहा है? सेम हो रहा है यार, तो कलर बदल देंगे ना, कलर बदल देंगे, अग्नि अस्त्र को लाल कर देंगे, एक को नीला, एक को पीला, लेजर शो बना देंगे। मास्टरमाइंड सर, मास्टरमाइंड क्या दिमाग है सर? ये हिंदू मैथोलॉजी किताब है, ओरिजिनल नहीं है, मेट्रो स्टेशन के बाहर से ली थी। लग रही सर? तो ड्रैगन बॉल जी में घुसा दे कैसे भी करके, घुसा देंगे सर, घुसा दे इसको यार, बस कैसे भी करके ना कुछ बना डाले कुछ। सर खाएंगे क्या? खिचड़ी खाऊंगा, खिचड़ी बना देंगे सर, खिचड़ी बना दे इसकी एकदम। और सुन, कुछ चल रहा है दुनिया में जो हम लोगों की समझ से बाहर है, बाहर है, कुछ ऐसा करना है एकदम। खैर दोस्तों, फिल्म के लेखक और निर्देशक हैं आयान मुखर्जी का। भाई साहब, दुनिया भर का अस्त्र बटोरने के चक्कर में अगर आप स्टोरी अस्त्र, स्क्रीन प्ले अस्त्र, कंटेंट अस्त्र पर ध्यान दे दिए होते तो बढ़िया काम हो जाता आपका। साला फिल्म में जब जब कहानी शुरू होती है तब तब एक गाना आ जाता है, जबरी प्रेम एंगल उसमें पेले पड़े दिखाने की कोशिश किए हैं। प्रेम से बड़ी कोई ताकत नहीं होती, ये बात समझाने का कोई सबसे बुरा तरीका है तो वो है ब्रह्मास्त्र फिल्म। और जैसे हर 15 मिनट के बाद आलिया भट्ट आके पूछती हैं कौन हो शिवा तुम, वैसे दर्शक भी उनसे पूछता है कि कौन हो तुम, कहाँ से आई हो, घर द्वार कहाँ तुम्हारा, माई बाप तुम्हारे कौन बिट्टी। सिर्फ आलिया भट्ट ही नहीं दोस्तों, जितने भी किरदार हैं उनका अगवाड़ा पिछवाड़ा भूत भविष्य कुछ लिखा ही नहीं गया। वो आ रहे हैं, लाल पीली चिंगारी फेंक रहे हैं, फिर चले जा रहे हैं। हे आयान भाई, हमको एक बात समझ में नहीं आई, लोगों के पास ब्रह्मांड भर की शक्ति है, आग है, लेजर लाइट है, पर उससे कोई मर नहीं रहा है, पर बंदूक के गोली से लोग मर जा रहे हैं। मतलब गोली से बड़ा कोई अस्त्र नहीं है ना, तो उसका भी नाम रख दिए होते गोली अस्त्र। आयान भाई लिसन टू मी ब्रो, आपका जो विजन था बहुत बढ़िया था, कर रहा था, लेकिन एग्जीक्यूशन में आप गड़बड़ा गए, पुअर डायरेक्शन। और डायलॉग लिखा है हुसैन दलाल ने। हे भाई, तुम राइटर वाइटर ही हो ना, अगर हो तो छोड़ दो, हम तो कह रहे हैं दलाली वलाली काम करो, प्रॉपर्टी में बहुत पैसा है, हमारे घर के रिश्तेदार जो हैं बम्बई में 4 मंजिला घर खड़ा कर दिए हैं। तो दोस्तों, फिल्म के कुछ मनमोहक डायलॉग इस प्रकार है, हम सुनाते हैं आपको। नंबर 1, लाइट उस रोशनी का नाम है। गजब, ये बात हमको नहीं पता थी, पर्यावाची, वाह। नंबर 2, तुम ब्रह्मास के किस्मत के सिकंदर हो, वाह। हिंदी पुराण जो है वो उर्दू में लिखा जा रहा है यहाँ। नंबर 3, आग से मैं जलता नहीं, आग मुझे जलाती नहीं, वाह। तो 2 बार बोलोगे, एक्टिव पैसिव खेल रहे हो। और नंबर 4, इसको ऑस्कर मिलना चाहिए, आलिया कहती हैं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ शिवा, फिर शिवा कहते हैं तो बोल दो, फिर आलिया कहती हैं आई लव यू शिवा। देख रहे हैं, ट्रांसलेशन भी सिखाया गया है इसमें। कुल मिला के बात यही है कि हर लाइन जो है दुद्दू बार बोली जा रही है, ऐसी फिल्म के लिए ऐसे डायलॉग राइटर को नहीं रखना चाहिए था। खैर दोस्तों, अब आ जाते हैं कास्टिंग पे।
अब किसी भी किरदार को अच्छे से लिखा ही नहीं गया तो एक्टर बेचारा क्या करता। रणबीर भाई बोला गया, देखो ये जवानी है दीवानी तुम बनी हो, बस तुम्हारा नाम बदल के हम लोग शिवा रख देंगे, करना बिल्कुल वैसे ही है, बस तुम आग छोड़ोगे इसमें। और तुमको नाचने के लिए जैसे उसमें सुभान अल्लाह और बलम पिचकारी टाइप गाना था वैसे इसमें भी दे देंगे। रणबीर भाई ओके ठीक मैं कर लूँगा, तैयार हो गए। और आलिया भट्ट को बोला गया कि तुमको जो है एक काम करना, सुंदर लगना है और शिवा शिवा चिल्लाना है, साथ ही दो तीन सवाल पूछ लेना कि तुम कौन हो, तुम यहाँ क्यों आए, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, बस। आलिया दीदी ने बोला ठीक हम कर लेंगे। बाकी अमिताभ बच्चन जी और सूर्या भाई अपने नागार्जुन जी को फालतू इसमें वेस्ट कर दिया गया, हमको अच्छा नहीं लगा। तो अब बची दोस्तों मौनी रॉय। तो डायरेक्टर द्वारा लिए गए तमाम बड़े गलत फैसलों में से मौनी रॉय भी एक हैं और उन्होंने इस पे मुहर भी लगाया। उनसे बोला गया कि आपको बस अपनी आंख बड़ी करनी है और होठ ऐसे दिखाना है। उन्होंने बोला ठीक ये तो मैं कर लूंगी, करती आ रही हूँ। आखिरी में बस यही हम बोलेंगे कि ब्रह्मास्त्र जो है वो किसी भी डिपार्टमेंट में सही नहीं खरी उतरती है, न कहानी में, न VFX में, न एक्शन सिक्वेंस में, न क्लाइमेक्स में। ऐसा क्यों, जबकि इसको बनाने में एक दशक लग गया बताइए। इस दौरान दोस्तों आलिया रणबीर मिलते हैं, उनको प्यार हो जाता है, ब्याह हो जाता है और अब लड़कियां पैदा होने वाला है। इधर भी जितनी बड़ी फिल्में बनी हैं वो नहीं चली हैं क्योंकि वो बुरी थी, इसका और कोई कारण नहीं है। अब देखते हैं ब्रह्मास्त्र का क्या होता है। तो इसका मतलब ये है कि बॉलीवुड वालों को अब आत्ममंथन करने की ज़रूरत है, इनको बॉलीवुड से निकलकर भारत आना होगा तभी इनका काम बन पाएगा, नहीं तो राम नाम सत्य हो जाएगा। बाकी दोस्तों आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट मार दीजिए और हाँ जो बढ़िया कमेंट मारेगा वो अगले वीडियो में उनको हम दिखाएंगे। साथ ही साथ फेसबुक पे भी जाके हमारा चैनल लाइक कर दीजिए क्योंकि अब हम वहाँ भी आने वाले हैं। चलते हैं दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय विश्व, जय ब्रह्मांड, बाय।